पीएम मोदी और डोभाल की एक चाल पर घुटने टेकने को मजबूर चीन। पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन को मिल रहा करारा जवाब। आंखें दिखाने वाला चीन अब घुटने टेकने को मजबूर। जी हां, चीन भले ही ताकतवर रहा लेकिन मोदी सरकार में अब भारत भी उससे कम नहीं है। पिछले 3 वर्षों में पीएम मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की जोड़ी ने चीन को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से चीन बड़ी तेजी से पाकिस्तान के भीतर अपनी पैठ बढ़ाकर भारत को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहा था। चीन ने अपना मेगा प्रोजेक्ट सिल्क रूट हाईवे जानबूझकर पाक अधिकृत कश्मीर से निकाला, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। पीएम मोदी और डोभाल के नेतृत्व में अब चीन भारत के सामने मजबूर नजर आ रहा है। डोभाल की बलूचिस्तान को लेकर आक्रामक रणनीति ने चीन को भारत के सामने सरेंडर करवा दिया। डोभाल ने बलूचिस्तान में नया दांव चलकर चीन की दुखती रग पकड़ ली है। यही वजह है कि हाल ही के कजाकिस्तान सम्मेलन में चीन के सुर बदले हुए थे। इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने पुराने दोस्त नवाज शरीफ से कहीं ज्यादा पीएम मोदी को महत्व दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से चीन तक जाने वाली सिल्क रूट, जिसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, अब चीन के लिए चुनौती बनी हुई है। चीन और पाकिस्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 3,762 अरब रुपये बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन का न सिर्फ पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा हो जाएगा बल्कि आने वाले समय में चीन वहां 34 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट भी लगाने की तैयारी कर रहा है। चीन के करीब 10,000 इंजीनियर और कारीगर अरबों रुपये के इन प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बंदरगाह से लेकर हाईवे तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और बलूचिस्तान के हालात इस वक्त आज़ादी को लेकर बद से बदतर हुए जा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के ज़्यादातर बड़े नेता भारत की मदद चाहते हैं। सार्वजनिक तौर पर नेताओं को मदद देने के लिए पहली बार पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया। यही नहीं, नेताओं के साथ हो रही ज़्यादती के बारे में भी भारत ने खुलकर पाकिस्तानी सेना के दमन का विरोध भी किया। डोभाल की इस कूटनीति के चलते बलूचिस्तान में भारत के पक्ष में ऐसा माहौल बना दिया कि चीन अब चिंतित है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि खरबों डॉलर का चीन का प्रोजेक्ट आज बलूचिस्तान में फंसा हुआ है और बलूच नेताओं की चाबी डोभाल के पास है। बलूच मुद्दे पर भारत को मनोवैज्ञानिक तौर पर हावी होता हुआ देख अब चीन ने अपनी रणनीति को बदला। चीन को एहसास है कि अगर बलूचिस्तान और ग्वादर बंदरगाह में उसके खरबों के प्रोजेक्ट और संसाधन सही सलामत रखना है तो भारत से सीधे तौर पर उलझना उसके लिए सामरिक दृष्टि से गलत होगा।